कराची में हथियारबंदन पीपीएमपीए नईम खरल के वे भा डॉक्टर सलीम खरल के कत्ल कर छोड़ो है। उन सिलसिले में उन दुख में जे इतने संदस दोस्त अजीज ए इलाकेवासी मू पौतल अस उन पुछंदी तो उसे डॉक्टर सलीम खरल के कत्ल के कि ऐसा हीको अफसोसनाक तमाम घो हादसों थोड़ा है। इतफाकन ही दहशतगर्दी जी समझा तो हिड़ी अलो हादसों को उनमें को गन खबर अं रिपोर्ट्स को अचन तो कें क्या हवा से पर बुधी ढो दुख भी थो ढो अफसोस भी थे तो जो हिंसर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अला शुक्र काफ़ी कंट्रोल में अची पर ये जो वाकया थन यो मू के अल दुखाइंदर थन खास कर असो खानदान वा नईम खरल साहब है शर्जील खरल साहब है उन्होंने अला सही हिम्मत डे उन्होंने अला सही सब्र डे ढो दुख टाइम है पा भी हादसा थी इन ब साल पे भा जलील जी मैं गुजरी चुको है तो समझी सकता तो केतरो उन खानदान ला दुखी शे है। असान ये भी कोशिश है जी मंजूर वसान साहब सीएम साहब पान इतने अश्योरेंस दिनी तो इंशाला कातलन के जल्द अज जल्द इन कोशिश में लगा पे तो गिरफ्तार थी नहीं कैफे किरदार तक पहुंचन। बाकी डॉक्टर साहब पाँच जिंदगी में तो तमाम सुलझेल बुर्दबार मू हो अलो दोस्ती रखंदड़ पाइंदड़ मू हो अला सही उनके जन्नत में जगह भी डे पोवार हिम्मत डे सब्र डे ताकि वे हादसे के उनको एतो अला सब्र डे बर्दाश्त कर सकन। हाँ आउं थोड़ा परे वेठो हुस पर जी मुझे जैसे खबर पे थोड़ा घो बुधुम पे तो ये गाल खातरी दियारू तो कोशिश ये कहें तो कातलन के जल्द अज जल्द गिरफ्तार जो पुलिस जो फर्ज भी है उनमें मंजूर साहब पा होम मिनिस्टर साहब गड आयो सीएम साहब से तो जरूर पैं खैरपुर में उनो भी गोठ है सीएम साहब जो भी इतना है तो ये सब गाल जारी गाल ये हादसों थे तो हर मू के ढो अफसोस है तो थे एडो शौको लगे तो सुनो सुनो सुलझण मू एक दहशतगर्दी की शिकार थी वे तो ये रिवायत जी हली वही है पाकिस्तान में खासकर कराची में टारगेटेड थोड़ी किलिंग्स थन थी या मोबाइल स्नैचिंग के हवा से तो इनते काफ़ी कंट्रोल हुआ थो तो है पर तभी भी अड़ा वाक्य जैसे थीन था तो सजी एडमिनिस्ट्रेशन के सजी जो मानू आन जो वेझा उन्होंने जड़ो झिझोड़े थी छे तो इंशाला यही मुख्य उम्मीद है सिंध गवर्नमेंट में पुलिस में इंशाला जल्द अज जल्द उन कातिल गिरफ्तार करें।